नमस्कार। सीबीसी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीबीसी के अपने लेक्चर सीरीज में आज अपनी ओर से अंतिम पड़ाव पर हूं। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे इनहेरेंट पावर ऑफ कोड। जब हम सीबीसी को देखते हैं तो सीबीसी के रूप में आपको एक ऐसी संहिता दिखाई देगी, आपको एक ऐसा कोड दिखाई देगा जिसे लॉ की दुनिया में सबसे टेक्निकल कोड कहा जाता है और जिसे सबसे ज्यादा बड़ा कोड भी कहा जाता है। इसको समझिए कि आखिर सीपीसी को इतना बड़ा क्यों बनाना पड़ा। जितने भी सर्कमस्टांसेस सोचे जा सकते थे, प्लेंट को लेकर के, डिग्री को लेकर के, जजमेंट को लेकर के, एग्जीक्यूशन को लेकर के, फर्स्ट अपील को लेकर, सेकेंड अपील को लेकर, रिव्यू लेकर, रिविजन लेकर, रेफरेंस लेकर, हर एक चीज को पूरे संदर्भों के साथ विस्तृत पैमाने पर अगर कसा गया है तो उस कोड का नाम सीपीसी है। लेकिन इस सब के बाद भी फ्यूचर में आने वाली सारी कंडीशंस को अगर आप आज बैठ करके 1908 में जब यह कोड बना उस दिन अगर बैठ करके आप फोरसाइट करना भी चाहें तो यह नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। सारे आने वाली सर्कमस्टांसेस को देखना और देख करके उसके लिए प्रोविजंस बनाना। इसलिए जो कोड्स हैं, जो सिविल कोड्स हैं, इनको ये ड्यूटी दी गई और एक तरह से इनको ये राइट भी दिया गया कि आपकी जिम्मेदारी होगी फुल एंड कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करना। पक्षकारों के बीच में जो विवाद उठेंगे उन प्रश्नों को सदा सर्वदा के लिए निपटा दीजिए। इसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त शक्तियां भी दी गई और इन्हीं अतिरिक्त शक्तियों को हम इनहेरेंट पावर ऑफ कोड के रूप में देखते हैं। ये पावर जितने भी हैं ये सीपीसी में जो प्रोविजंस हैं, जो पावर दिए गए हैं उसके एडिशनल हैं। ये उन पावर्स के एडिशनल पावर्स हैं जो इनहेरेंट पावर ऑफ कोड कही जाती। कौन कौन से सेक्शन इसमें आते हैं? इसमें आएगा सेक्शन नंबर 148, इसमें आएंगे सेक्शन नंबर 149, सेक्शन 151, सेक्शन 152, सेक्शन 153 और सेक्शन 153A। इन सारे सेक्शंस की जो शक्तियां हैं इनको हम एक चैप्टर के रूप में जब देखते हैं तो कहते हैं कि ये इनहेरेंट पावर ऑफ कोड है। अब एक एक करके देखते चलते हैं कि आखिर ये पावर्स हैं क्या। सबसे पहले बात आती है सेक्शन नंबर 148। अब सेक्शन 148 को जरा समझिए। सेक्शन 148 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा काम है जिसको सीपीसी परमिट करती है, जिसको करने के लिए सीपीसी किसी पार्टी को एथराइज करती है, अगर ऐसे काम को करने के लिए कोर्ट ने कोई टाइम फिक्स किया है, कोर्ट ने कोई टाइम लिमिट ग्रांट की है, कोर्ट ने कहा 20 दिन में कर लीजिए, कोर्ट ने कहा 40 दिन में कर लीजिए, कोर्ट ने टाइम फिक्स कर दिया है और उतने टाइम फ्रेम के अंदर अगर वो काम पूरा नहीं हो पाया तो कोर्ट उस टाइम पीरियड को मैक्सिमम अप टू द 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकती है। कितने दिनों के लिए एक्सटेंशन हो सकता है? तो 148 में एक्सटेंशन ऑफ टाइम की बात की जा रही है। कितने दिनों के लिए होगा? कहते हैं अप टू 30 डेज, 30 दिनों तक के लिए एक्सटेंड करने का पावर कोर्ट को दिया गया है, वो एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन काम कैसा होना चाहिए? काम इस नेचर का होना चाहिए कि उस कृत्य को या तो परमिट करती हो सीपीसी या उसे करने के लिए पार्टीज को एथराइज करती। कितने दिनों के लिए एक्सटेंशन देंगे? याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बार बार ये ऑब्जेक्टिव आता है, तो अप टू द 30 डेज के लिए एक्सटेंशन कर सके। अब आते हैं सेक्शन नंबर 149। अब 149 के आगे आप एक लाइन हमेशा के लिए अगर याद करने के लिए चाहें तो लिख लीजिए एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट 1870। जी, कोर्ट फीस एक्ट 1870। अब
सेक्शन 4 क्या कहती है कोर्ट फीस एक्ट की। सेक्शन 4 कोर्ट फीस एक्ट का यह कहना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके लिए कोर्ट फीस एक्ट में कोर्ट फीस बताई गई है, जब तक आप उस कोर्ट फीस का भुगतान नहीं करते हैं तब तक वो डॉक्यूमेंट किसी भी प्रोसीडिंग में, सिविल प्रोसीडिंग में, ना तो फाइल की जाएगी ना ही रिकॉर्ड की जाएगी। ये तो जनरल रूल है। अब सेक्शन 149 जो है वो एक्सेप्शन के रूप में आती है इस सेक्शन 4 की। क्या कहती है 149 कहती है कि मान लीजिए प्लेंट के समय, मान लीजिए WS के समय, मेमोरेंडम ऑफ अपील के समय, जब भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोर्ट फीस का भुगतान किया जाना था, अगर वो कोर्ट फीस का भुगतान पूरी तरह से बाकी है या आंशिक रूप से बाकी है, तब कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए पार्टी को किसी भी समय परमिशन ग्रांट कर सकती है। अगर कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दिया, पार्टी ने पेमेंट कर दिया, डिफिशियंसी पूरी हो गई, तो हम ये मान के चलेंगे कि पार्टी ने इनिशिएशन में ही, स्टार्टिंग में ही पूरी कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया था। मतलब कोर्ट फीस के भुगतान नहीं होने के कारण जो डिप्राइवेशन आ रही थी पार्टीज के ऊपर, उसको हटाने का पावर सेक्शन 149 में सिविल कोर्ट्स को दिया गया है। ये किसका एक्सेप्शन है? ये एक्सेप्शन है कोर्ट फीस एक्ट 1870 के सेक्शन नंबर 4 का। अब आते हैं सेक्शन नंबर 151 किसे कहते हैं, क्या कहता है सेक्शन 151। जनरली जब ये स्टूडेंट से पूछा जाता है कि इनहेरेंट पावर कहां है, तो वो सेक्शन 151 को ही हाईलाइट करते हैं। तो सेक्शन 151 को आप ऐसे समझिए कि यहां लिखा है टू मीट द जस्टिस, टू मीट द एम्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए, या एब्यूज टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट के प्रोसेस का कहीं अब्यूज हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए जितने भी आदेश दिए जाने चाहिए वो सारे आदेश देने की शक्ति सेक्शन 151 सिविल कोर्ट्स को प्रोवाइड करता है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा, क्या क्या कोर्ट्स कर सकती है। तो देखिए, अगर कोर्ट्स जो है, अगर कोर्ट के साइड से कोई मिस्टेक हो गई है उसको करेक्ट करने के लिए वो अपने ऑर्डर को रिकॉल कर सकते हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं। जनरली अगर देखिए तो जो प्रोसीडिंग होती है सिविल की, ये ओपन प्रोसीडिंग होती है, ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है, लेकिन 151 के पावर का इस्तेमाल करके कैमरा ट्रायल प्रोसीडिंग भी कोर्ट कर सकती हैं, कोर्ट फीस के भुगतान के लिए समय एक्सटेंड कर सकती हैं। मान लीजिए रेंट का एरियर बाकी है तो रेंट एरियर के भुगतान के लिए समय एक्सटेंड कर सकती हैं। इसके बाद अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकती हैं। ये सारे पावर जो है वो 151 के पावर का इस्तेमाल करके कोर्ट्स कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर एब्यूज में आ जाइए, मान लीजिए कोर्ट के किसी प्रोसीजरल मिस्टेक से किसी पार्टी का नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान को निवारित करने के लिए, उस नुकसान को हटाने के लिए जो समुचित आदेश दिया जाना चाहिए वो आदेश भी कोर्ट 151 के पावर में दे सकती है। ये उसका एक इनहेरेंट पावर दिया गया है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 152 क्या कहता है। देखिए सेक्शन 152 कहता है कि जजमेंट में, डिग्री में, ऑर्डर में, किसी जजमेंट में, किसी डिग्री में, किसी ऑर्डर में अगर कोई टीपोलॉजिकल गलती हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, अगर कोई अर्थमेटिक मिस्टेक हो जाती है, पैसा जोड़ने घटाने में कोई टिपिकोलॉजिकल मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग की गलती हो जाए, जोड़ने घटाने की गलती हो जाए, या एक्सीडेंटल स्लिप हो जाए, पता चला ऊपर से लिखते आ रहे हैं कि ए डिग्री होल्डर है, डिग्री होल्डर है, डिग्री होल्डर है, लास्ट की लाइन में आ गया कि डिग्री जो कि बी के फेवर में दी गई है, अब ये क्या है, एक्सीडेंटल स्लिप है। तो किस किस तरीके की गलती है, अगर अर्थमेटिक गलती है, टिपोलॉजिकल गलती है, एडिशनल स्लिप है, कोई चीज लिखने से छूट गए हैं, ओमिशन हो गया है, तब कोर्ट या तो सुओ मोटो खुद उस गलती को रेक्टिफाई कर लेंगे, या पार्टीज में से जिस किसी पार्टी के एप्लीकेशन पर कोर्ट उस गलती को सुधारेंगे।
ये पावर सुधार सकते हैं, ये पावर उन्हें सेक्शन 152 में दिया गया, ये पावर भी है और एक तरीके से देखेंगे तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी भी। अब आते हैं सेक्शन 153। सेक्शन 153 क्या कहता है? सेक्शन 153 कहता है कि किसी भी मुकदमे के किसी प्रोसीडिंग में अगर कोई डिफेक्ट या एरर हुआ है तो उस डिफेक्ट और डिफेक्ट या एरर को अमेंड करने के लिए और उस अमेंडमेंट के लिए जो कुछ भी समुचित आदेश कोर्ट को देना चाहिए वो आदेश देने के लिए सेक्शन 153 कोर्ट को इंपावर्ड करती है। और इस तरह से इंपावर्ड करती है, कोर्ट की यह जिम्मेवारी बनेगी वो ये देखें उस डिफेक्ट को ऐसे अमेंड करें, उस एरर को ऐसे अमेंड करें कि पार्टीज के बीच में जो क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, निपट जाए। ये पावर दिया गया है सेक्शन 153 में। अब अमेंडमेंट के जरिए एक सेक्शन आता है, सेक्शन 153 क्लॉज ए। क्या कहता है? यह कहता है कि अगर कोई अपील, अगर अपीलाट कोर्ट ने किसी अपील को समरली डिसमिस कर दिया है, और जिस डिग्री ऑर्डर के खिलाफ यह अपील की गई है उसमें अगर कोई डिफेक्ट है या कोई एरर है तो सेक्शन 153 में जो पावर कोर्ट को है कि वो डिफेक्ट या एरर को अमेंड कर सकते हैं, तो कौन सी कोर्ट ऐसे डिग्री ऑर्डर के डिफेक्ट या एरर को अमेंड करेंगे जिसके जिसके अपील को अपीलाट कोर्ट ने समरली डिसमिस कर दिया है? तो इसका आंसर है कि 153A कहता है कि ऐसे डिग्री और ऑर्डर को अमेंड करने का पावर कैपेसिटी उस कोर्ट के पास होगी जिसने वो डिग्री और ऑर्डर इशू किया है। अपीलाट कोर्ट ने समरली डिसमिस कर दिया, कोई बात नहीं, जिस कोर्ट ने ऑर्डर इशू किए हैं वो उस गलती को, वो उस एरर को, वो उस डिफेक्ट को अमेंड करेंगे। ये इतना रहा सेक्शन 153A। तो ये इतने पावर आपके आते हैं इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट में। सीपीसी लेक्चर सीरीज में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीपीसी में मेरी नजर में आए, मुझे लगे कि ये कंपटीशन के लिए या एलएलबी के एग्जाम के लिए या प्रैक्टिस के दौरान जानना चाहिए, उन सारे ही क्वेश्चंस को टच करने का प्रयास मैंने किया है। इसके बाद भी अगर कहीं कोई टॉपिक मुझसे छूटा है या आपको लगता है कि इस टॉपिक पर भी एनालिसिस होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपका हमेशा स्वागत रहेगा, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। सीपीसी लेक्चर सीरीज के बाद अब शुरुआत करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, उसके लेक्चर सीरीज की शुरुआत करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट के अपने लेक्चर सीरीज को लेकर आपके सामने आऊं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।